थैंक यू दैट इज कंडीशन। अगर आपको एक आंसर सर्टेन देना है तो सम कीजिए, इफ कीजिए, काउंट कीजिए, काउंट इफ कीजिए, लेकिन आपको आंसर में डाउट है, आपको लग रहा है कि ये अगर ऐसा क्राइटेरिया होगा तो ये आंसर डालो और ऐसा क्राइटेरिया होगा तो ये आंसर डालो, सो देयर मस्ट बी इफ कंडीशन। कोई डाउट है? अब फॉर्मूला का थोड़ा सा रिएक्शन देखिए। अब इस बीच में मैंने आपको क्लास में ही बात करते समय समझाया था कि मान लीजिए कि आपके ऐड करते समय पता चला कि 12 या 20 नंबर मैंने कम जोड़ दिया था, ये 20 गलती है, साइंस में आपको आया था 52, तो कोई फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि 70 है। अब मान लीजिए कि यह अगर 89 होता तो अभी भी हुआ क्या है, 69 है, इसको क्या करो 75 करके दे, तुरंत अपडेट हुआ, बात समझ में आ गई। अभी तत्काल इससे पहले वाला ग्रेड सिस्टम आपको कैसे निकाल के दिखाए थे समझ लीजिए, ग्रेड ऑप्शनल इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम में याद है सबको सेलेक्ट किए थे, ये सेलेक्ट किए थे, मैक्सिमम क्या आया था 89.60, ये वाला था, यहां जाके हम लिख दिए थे फर्स्ट, याद आया, फिर सेकंड मैक्सिमम फाइंड किए थे तो सेकंड कर दिए थे, फिर थर्ड किए था, बाकी सबको क्या कर दिए थे पास। तो आपको एक काम करने के लिए कितनी बार फॉर्मूला यूज करना पड़ा, 3 या 4 बार, इससे क्या हो जाएगा एक ही, कोई दिक्कत है? एक और टेस्ट करते हैं, कर देते हैं। थोड़ा पॉज कर मैं, आपके पास ये डेटा है, ध्यान दीजिए सर, आपके पास ये डेटा है, आपका बॉस कहता है मेरा वो सारा सेल निकाल के दिखा दो जो 97 है,